जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक हुई। इस ऐतिहासिक बैठक के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैंने बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 के रद्द होने से नाराज है। हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कश्मीर पर पाकिस्तान वाली सोच का समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा, मैंने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रिस्टोर करना चाहते हैं। पीडीपी अध्यक्ष ने बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने बैठक में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि आपने पाकिस्तान से बातचीत की जिसके बाद सीज फायर लागू हुआ और घुसपैठ कम हुई। उन्होंने कहा कि दूसरे मुद्दों पर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता, आराम मिलता, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। वही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, चुनाव कराने और कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के मुताबिक कांग्रेस की ओर से ये मांग भी उठाई गई है कि जमीन एवं रोजगार के मामलों में राज्य के डोमिसाइल की गारंटी दी जाए, साथ ही राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई इस बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि राज्य के किसी भी मसले पर पाकिस्तान से कोई बात नहीं होनी चाहिए। यानी सीधे तौर पर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली की इस बैठक में कहा कि पड़ोसी देश के साथ बातचीत की मांग करने वालों को हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनके दर्द को समझना चाहिए। बीजेपी के अलावा इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश के 14 नेताओं ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रमुख रविंद्र रैना ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत कर राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने के गंभीर प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की धड़कन को समझते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक उनके बीच रहे हैं और उनका दर्द भी जानते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद को छोड़कर हर देश के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और पाकिस्तान ने पिछले 35 वर्षों में आतंकवाद को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।